सीबीएन की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दर्शकों, वेलकम टू एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू एक नई जिंदगी। बहुत अच्छा लगता है हर सुबह जब एक नई जिंदगी प्रोग्राम के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ते हैं। और आज भी एक नया दिन है, हम मिलकर कुछ नया सीखेंगे। और दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बुरी आदतों के बारे में। जी हाँ, क्योंकि बुरी आदतें भी हमारा चैन, हमारी शांति चुरा लेते हैं। तो कहा जाता है दैट हैबिट्स मेक अ मैन, यू नो, और यानी कि गुड हैबिट्स मेक अ मैन, सो बैड हैबिट्स डिस्ट्रॉय अ मैन, ब्रेक अ मैन। और दर्शकों, ये तो आप जानते ही हैं कि किस तरह बुरी आदतें जब पड़ जाती हैं और फिर उसके बाद अजीबोगरीब किस्म की परेशानियां और फिर गुस्सा, एंगर, उसके वजह से आपका जो पूरा जो शांति है, पीस, ना केवल घर में पर आपका जो मेंटल पीस है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। आज का एपिसोड खास तौर से उन लोगों के लिए है जो इससे जूझ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कैसे मुझे शांति मिले और कैसे इन बुरी लतों से और आदतों से, एडिक्शन से मैं नजात पाऊं। सो दर्शकों, आज है वो समय कि आप इन आदतों को हटाइए और परमेश्वर की शांति अपने जीवन में रिसीव करें। जी, और परमेश्वर की मदद से हम ऐसा कर सकते हैं, हम बुरी आदतों को अपने जीवन से हटा सकते हैं। दोस्तों, एज यू आर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस विद CBN, आज हम रीजनल लैंग्वेजेस में क्रिसमस के गीत सुनने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम सुनेंगे छत्तीसगढ़ी भाषा में आनंद से भरा एक भजन, मयार प्रभु, क्रिसमस प्रभु। छत्तीसगढ़ की जो खूबसूरत झलक है वो आप इस गीत के जरिए देख पाएंगे। तो आइए हम इस गीत को सुने। मयार प्रभु सना नना सागर मानी चलाए, मयार प्रभु सना नना सागर मानी चलाए। तारे को देख कर पंडित बेचारे, तारे को देख कर पंडित बेचारे, तारे को देख कर पंडित बेचारे, पे चढ़ चढ़ के आए, ऊँटों पे चढ़ चढ़ के आए, अरे ऊँटों पे चढ़ चढ़ के आए। मयार प्रभु सना नना सागर मानी चलाए, मयार प्रभु सना नना सागर मानी चलाए। राजा के जन्मे जी राजे महल मां, 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 ऐसन विचारे ज्योतिष, ऐसन विचारे ज्योतिष, अरे ऐसन विचारे ज्योतिष। मयार प्रभु सना नना सागर मानी चलाए, मयार प्रभु सना नना सागर मानी चलाए। कान्हा नगर माजी काना नगर मां, काना नगर माजी काना नगर मां, काना नगर माजी कान्हा नगर मां, काना नगर माजी काना नगर मां, पानी से दाखरस बनाए, पानी से दाखरस बनाए, अजी पानी से दाखरस बनाए। मयार प्रभु सना नना सागर मानी चलाए, मयार प्रभु सना नना सागर मानी चलाए। आंधी और पानी को डांट थमाया, 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 चेले हुए हैरान, चेले हुए हैरान। मयार प्रभु सना नना सागर मानी चलाए, मयार प्रभु सना नना सागर मानी चलाए। पानी के ऊपर चल कर के आए, पानी के ऊपर चल कर के आए, पानी के ऊपर चल कर के आए, लगे घबराए,
लगे घबराए, मैं आर प्रभु सना नना सागर माही चलाए, मैं आर प्रभु सना नना सागर माही चला, मैं आर प्रभु सना नना सागर माही चलाए, मैं आर प्रभु सना नना सागर माही चलाए, मैं आर प्रभु सना नना सागर माही चलाए, मैं आर प्रभु सना नना सागर माही थैंक यू वेरी मच डिसाइपल्स ऑफ क्राइस्ट चर्च बिलासपुर कॉयर, आपने इतनी खूबसूरती से ये गाना गाया मयार प्रभु। और दोस्तों हम आपको बता दें कि ये गीत आप तक लेकर आए हैं हमारे प्रोड्यूसर राजीव अमित सिंह। सो थैंक यू कॉयर फॉर इंकरेजिंग अस दिस मॉर्निंग विद दिस ब्यूटिफुल सॉन्ग। बिल्कुल सही, क्रिसमस प्रभु मतलब प्रभु येसु मसीह ही रीजन है सीजन का, और प्रभु येसु मसीह इज द पर्सन फॉर क्रिसमस। तो मैं तो ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे आपने गाना सुना कि द क्राइस्ट ऑफ क्रिसमस को मत भूलिएगा इस सीजन। यस डेफिनेटली फ्रेंड्स, और हम आपको बता दें कि ऐसे ही गीतों को अगर आप अपने लव्ड वंस को गिफ्ट करना चाहते हैं, उनके स्पेशल मोमेंट्स को और स्पेशल बनाना चाहते हैं, तो देर कैसी, आप जल्दी से हमारी वेबसाइट पर जाएं, और हमारा एड्रेस है cbnindia.org/cbnspecialoffers, और वहां जाकर आप उन्हें ये ब्यूटीफुल सॉन्ग्स गिफ्ट कर सकते हैं। और दर्शकों अगर आपको ऐसे और बड़े अच्छे मधुर ब्यूटीफुल वर्शिप सॉन्ग सुनने हैं तो आप CBN इंडिया के यूट्यूब चैनल क्यों नहीं जाते, वहां आपको ऐसे कई गाने मिलेंगे जिससे ना केवल आप प्रभु की आराधना करें पर आपको बहुत बहुत अच्छा लगे और दूसरों के साथ आप शेयर भी करें उनको। दर्शकों जैसे आप जानते हैं कि आज का जो थीम है, क्या एंगर और एडिक्शन हमारे पीस या जॉय को चुरा लेता है? जी बिल्कुल चुरा लेता है, और लेकिन हम इन बैड हैबिट्स से या इन एडिक्शंस और गुस्से से हम निजात पा सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, आइए आज हम मुलाकात करें एलन जॉनसन गाविन से, जिन्होंने अपने जीवन में एंगर और एडिक्शन के कारण अपनी शांति खो दी। क्या वो अपनी शांति को दोबारा वापस पा सकेंगे? आइए उनकी बहुत ही खूबसूरत कहानी, सच्ची कहानी हम इस समय देखें। एलन जॉनसन अपने युवा दिनों में क्रिकेट में अपना करियर बनाना चाहते थे, लेकिन उनके गुस्सेल व्यवहार और नशे की लत ने उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया। दारू की आदत, फ्रस्ट्रेशन होना, क्योंकि अब मेरा, मैंने बोला क्रिकेट खेलने का फायदा ही नहीं रहा, दो बार हो गया। मैं ऊंचे लेवल से खेलना चाहता था लेकिन मेरा वो सक्सेस नहीं हो रहा था मेरे गुस्से के वजह से। कुछ दिनों के बाद एलन ने उस व्यक्ति से माफी मांगी जिससे उन्होंने पीटा था। हालांकि वो नशे की लत से जूझ रहे थे लेकिन उन्हें फिर से खेलने का मौका मिला। उनके जाके माफी मांगी, हम्बली रिक्वेस्ट की कि सर भाई, मैंने बोला जो भी गलती हुई नशे में मुझे माफ़ करो, और मैं चाहता हूँ कि मेरा जीवन अच्छा बने, मुझे क्रिकेट खेलना है ऊंचे लेवल में आके। अंडर 18-16 तक मैंने क्रिकेट खेली, फिर MPCC से बहुत अच्छा नाम कमाया, सब कुछ करा, और कुछ जब मेरी फॉरेस्ट की ड्यूटी लगने वाली थी। नौकरी का प्रस्ताव पाने के बाद एलन के पेरेंट्स ने उनका विवाह सैरा से कर दिया, लेकिन तब भी उन्होंने अपना व्यवहार नहीं बदला। वो मेरे को बोलने लगी चलो प्रेयर में चलूं, तो मैं उसको गाली बकता था, मारता था, पीटता था, जा काय का खुदा, मेरे को कोई खुदा उदा नहीं, मैं अपने क्रिकेट से खेलता हूँ, जो पैसा मिलता है वो। वो रोने लगी बहुत, फ्रस्ट्रेशन में जाने लगी, हमारे वाद विवाद होते गए, मारा पिटाई होते गई। जीवन में किसी प्रकार की शांति बिल्कुल नहीं थी, कोई बोलता था मैं बहुत जल्दी चिढ़ जाता था, उसके ऊपर गाली देके बात करता था। अपने एडिक्शन की वजह से एलन हमेशा पास्टर के सामने जाने से बचते थे, लेकिन एक बार जब वो उनसे मिला तो एलन ने पास्टर की बातों पर गौर किया। सिर्फ पास्टर साहब जो बताते थे मैं उसी के हिसाब से उनकी बातें सुनता था कि परमेश्वर के काम क्या है, परमेश्वर क्या कर सकता है, परमेश्वर कैसे अपने लोगों को छुड़ाता है शैतान के हाथों से। मैं धीरे धीरे चर्च जाता था, चर्च में मन नहीं लगता था क्योंकि मेरी आदत थी दारू पीना रहता था, गांजा पीना रहता था, नशा करना, पत्ते खेलने की आदत थी। तो मैं सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए, उसको बताने के लिए कि देख अब तू कहीं मत जा, अब मैं चर्च, तू जैसा बोलती थी मैं चर्च जाने लगा हूँ, रविवार के दिन मैं बैठने लगा हूँ और कॉटेज प्रेयरों में भी बैठने लगा हूँ। धीरे धीरे एलन ने बाइबल पढ़ना शुरू किया जिससे उन्हें सामर्थ्य और मार्गदर्शन मिला। दाऊद का भजन संहिता मेरे पास पहुँचा, जब मैं बाइबल निकाला, मैंने तेरे वचनों को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि मैं तेरे विरुद्ध कोई पाप ना करूं। मैंने बोला अभी तक तो मैं पाप करते आया, शायद से परमेश्वर का वचन अगर मेरे जीवन में रहेगा तो मेरे से कोई भी गलती नहीं होगी, खुदा का वचन ही हमें मजबूत बनाता है।
स्थिर करता है। एक दिन अचानक मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर मेरे क्रोध को तू मुझसे दूर कर, मैं अपने क्रोध से लड़ना चाहता हूँ। परमेश्वर ने मुझे वचन दिया, याकूब की किताब उसकी पहला अध्याय का 20वां, मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। मैं कॉटेज पेड़ में जाता था लेकिन क्रोध था तो परमेश्वर के धर्म का निर्वाह मैं बिल्कुल नहीं कर सकता था। मैंने धीरे धीरे परमेश्वर के पास घुटने पे गया। जैसे ही एलन ने प्रभु की उपस्थिति में अपने घुटने टेके, उन्होंने प्रभु की शांति का अनुभव किया, जिसके बाद उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पित कर दिया। और जब मैं परमेश्वर में आया तो अंदर मुझे उसकी शांति महसूस होने लगी। मेरा क्रोध धीरे धीरे कम होते गया, मेरी लैंग्वेज चेंज होते गई, मेरा व्यवहार चेंज होते गया। मैंने बोला पुरानी ज़िंदगी से बेहतर अगर परमेश्वर की जो ज़िंदगी परमेश्वर मुझे देना चाहता है, अगर मैं इसमें सफ़र करूँगा तो परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ करेगा। क्योंकि उस ज़िंदगी में मेरे पास कुछ नहीं था, अंधेरे के सिवा मेरे जीवन में कुछ नहीं था। लेकिन जब मैंने परमेश्वर ग्रहण किया, उसका उजाला ऐसा लगा कि मेरे जीवन में उसका प्रकाशन मुझे मिलना चालू करा। आज एलन के 2 बच्चे हैं और वो सारी महिमा और आदर प्रभु को देते हैं। आज मेरा परिवार और मैं परमेश्वर की सेवा करते हैं। मेरी मिसेस, मेरी मम्मी जाके सेवा करती है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो मेरे जीवन में शांति नहीं थी, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मुझे शांति दी। एलन, थैंक यू फॉर योर स्टोरी। और दोस्तों, हमने एलन की कहानी से जाना कि प्रभु यीशु मसीह की मदद से हम अपनी बैड हैबिट्स पर, चाहे वो गुस्सा हो, चाहे वो क्रोध हो हमारे अंदर या एडिक्शंस हो, हम इनसे छुटकारा पा सकते हैं। रेबेका, बिल्कुल एलन की जिंदगी की तरह जैसे प्रभु के वचन ने उसको बड़ी तसल्ली दी और शांति दी, वैसे ही दर्शकों मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल में पहला सैमुएल एक किताब है पुराने नियम में, उसके 16वें अध्याय में ऐसा एक राजा जिसका नाम था साउल, वो राजा बहुत ज़बरदस्त राजा था, शुरुआत बहुत अच्छी थी उसकी, पर कई गलतियां करी उसने अपनी लाइफ में, परमेश्वर नाराज हुए और एक और यंग आदमी के हाथ में खुदा ने उसको चुना कि वो राजा बनेगा इसराइल का, और वो था दाऊद। पर उसकी पॉपुलैरिटी देखकर और कैसे वो बड़े बड़े चीज़ें कर रहा है, वो बहुत ही उसके मन में एनवी आ गई और वो नहीं चाहता था कि दाऊद आगे बढ़े, और इतना टेंशन, इतना गुस्सा और ऐसे ऐसी स्कीमिंग करने लगा, उसके पीछे लग गया उसको मारने के लिए, उसकी शांति चली गई क्योंकि परमेश्वर का आत्मा ने उसको छोड़ दिया था दर्शकों। और मैं बताना चाहता हूँ, बिल्कुल बेचैन रहता था, इतना बेचैन रहता था, ही वॉज सो ट्रबल्ड, और इतना गुस्सा था उसकी लाइफ में कि उसने बोला कोई है जो मेरे लिए हार्प बजाए, जो मुझे थोड़ी शांति मिले। और कौन था वहाँ पे जो बेस्ट हार्प बजाने वाला, वो था दाऊद। तो दाऊद आता था उसके राजमहल में और उसके प्राइवेट चेम्बर में बैठ के वो हार्प बजाता था, और जब वो बजाता था और उस म्यूज़िक को सुनकर और उस मौसीकी को सुनकर उसको बहुत शांति मिलती थी। दोस्तों, याद रखो, जब हम हिम्स और सॉन्ग्स और खुदा का कलाम पढ़ते हैं तो जो सिचुएशन है ना, वो तब्दील हो जाती है और बदल जाती है, और परमेश्वर की शांति जो समझ के बाहर है वो हमारे जीवन में आती है। ये वचन हम आपको देना चाहते हैं। फिलिप्पियों 4:7, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। दोस्तों, ये वर्ष क्या बताती हमें? खुदा का कलाम ये बताता, प्रभु यीशु मसीह में ही शांति है। अगर प्रभु यीशु मसीह नहीं तो शांति नहीं। मेरे अजीजों, खुदा के कलाम को पढ़ो, खुदा की म्यूजिक जो सॉन्ग्स हैं, हिम्स हैं, उसको सुनते रहो। इस ट्रबल टाइम में जो भी आपकी परिस्थिति क्यों ना हो, खुदा के कलाम से लिपटे रहो, खुदा का वचन गानों के थ्रू, वचन के थ्रू, कुछ ना कुछ मैसेजेस के थ्रू सुनते रहिए। देखिए आपको कितनी तसल्ली मिलेगी, और सबसे बढ़कर प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अपनाओ, क्षमा पाइए और नई जिंदगी पाइए। तो आइए हम मिलकर परमेश्वर की शांति के लिए प्रार्थना करें। आइए हम मिलकर परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर के और नज़दीक आए। और आप हमें कॉल कर सकते हैं अपनी रिक्वेस्ट के साथ CBN प्रेयर लाइन में। हमारा नंबर है 9910401010। हमें बहुत खुशी होगी आपके साथ मिलकर आपके प्रेयर मैटर्स के लिए प्रार्थना करने में। और दोस्तों, इसी के साथ समय आ गया है कि हम ले एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम सुनेंगे और जानेंगे बाइबल के वचन पर आधारित ये संदेश, वेयर इज गॉड इन द मिड्स ऑफ ट्रबल।
तो हम बहुत जल्द मुलाकात करेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद। देश के बहुसांस्कृतिक क्रिसमस गीतों का उपहार नए रूप में पूरे दिसंबर महीने एक नई जिंदगी पर। प्रभु सना नना सागर आंधी चलाए, मैं यार प्रभु सना नना सागर आंधी चलाए। आप इन गीतों को पहली बार सिर्फ CBN के प्लेटफॉर्म के जरिए नेशनल टीवी के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं और अपने प्रियजनों के साथ इस म्यूजिकल क्रिसमस का उपहार बांट सकते हैं। दर्शकों, हम वापस आ गए हैं, वेलकम बैक दोस्तों। और जैसे आप जानते हैं, इस पूरे महीने हमारी सीरीज चल रही है पीस इन कॉन्फ्लिक्ट, और आज का थीम है अपने जो गुस्सा है और बुरी आदतें हैं हमारे शांति को चुरा के ले जाती है। जी बिल्कुल, हमारी शांति को चुरा ले जाते हैं। और जब हम अशांत महसूस करते हैं तो हम अक्सर जो ब्लेम है वो परमेश्वर पर डालते हैं। बिल्कुल, और हम पूछते हैं कि परमेश्वर आप कहाँ पर हैं, वेयर आर यू, आई एम गोइंग थ्रू ऑल दिस ट्रबल विच इज़ प्रॉबेबली सेल्फ ब्रॉट। लेकिन हम फिर परमेश्वर को कोसते भी हैं और उनसे हम पूछते हैं कि वेयर आर यू। दर्शकों, क्या ये प्रश्न आपके मन में भी आ रहा है, खुदा आप है कहाँ, मेरी परेशानी को देखो, मेरे कोई शांति नहीं, इतने अशांत रहते हैं हम। पर इस कॉन्फ्लिक्ट, इस परेशानी, इस संघर्ष में याद रखें, परमेश्वर है, ही इज देयर एंड ही इज विलिंग टू गिव यू हिज पीस। तो आइए दोस्तों, इस समय हम परमेश्वर के वचनों से एक बहुत ही खूबसूरत संदेश सुने जो आप तक लेकर आ रहे हैं ZCFT चर्च नई दिल्ली के पासवान सेंखम, और ये हमें बताएंगे कि वेयर इज गॉड इन द मिडस्ट ऑफ ऑल आवर ट्रबल्स। हेलो, मैं सेंखम गंग में हूँ। आज हम बात करेंगे कि तूफान के बीच में परमेश्वर कहाँ है। यदि हर समय नहीं तो फिर भी हम कई बार ये सोचते हैं कि परमेश्वर की शांति तब होती है जब चारों ओर सब कुछ शांत होता है और सब कुछ हमारी योजना के अनुसार चल रहा होता है। लेकिन भजन संहिता 23:5 कहता है, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। परमेश्वर एक मेज तैयार करता है जो हमारे शत्रु हैं, आप उन्हें जो भी नाम दें, बीमारी, उथल पुथल और कठिन समय के बीच में आशीषों और परमेश्वर के प्रावधान को दर्शाता है। हमारे शत्रुओं के बीच में, हमारी लड़ाइयों के बीच में, जब सब कुछ हमारे विरोध में प्रतीत होता हो और जब कुछ भी हमारे पक्ष में काम न करता प्रतीत होता हो, तब उसकी आशीषें, उसकी उपस्थिति वास्तविक होती है। जैसा कि भजन संहिता 46:1 कहता है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। दोस्तों, उसकी उपस्थिति शेर की मांद में, जब आपको जलाने के लिए आग में फेंक दिया जाता है, सबसे अच्छी तरह से जानी जाती है। कठिन समय परमेश्वर को डराता नहीं है, वो झूठ नहीं बोल रहा है जब उसने कहा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। दोस्तों, हम जीवन के तूफानों को अपना ध्यान उससे हटाने नहीं दे सकते। प्रियो, यदि आप बीमारी से गुजर रहे हैं, अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में हानि या दर्द से गुजर रहे हैं, तो कृपया निराश न हो, बल्कि आश्वस्त रहें कि आपका उपचार करता, आपका मुक्तिदाता सिर्फ आपके साथ नहीं है, बल्कि वो आप में ही है और आपके लिए है, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। उसके वादों पर ध्यान करें और उसकी अच्छाई पर प्रतिक्रिया दें और आज उसके उद्धार को प्रकट होते देखें। थैंक यू वेरी मच पास्टर सेंखम गंगमाई, थैंक यू फॉर शेयरिंग विद अस फ्रॉम गॉड्स वर्ड। एंड फ्रेंड्स, हमें आशा है कि आपको बहुत एनकरेजमेंट मिली होगी। परमेश्वर के वचन हमें हमेशा इंकरेज करते हैं और हमें सही राह दिखाते हैं। बिल्कुल सही दर्शकों, थैंक यू सो मच ब्रदर, दैट इज सच अ वंडरफुल कंफर्टिंग वर्ड, दैट परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेगा और ना कभी त्यागेगा। ये आपके लिए है दर्शकों, जो आप सुन रहे हैं, गॉड इज नेवर गोइंग टू लीव यू, घबराइए मत और परमेश्वर पे यकीन और विश्वास करते रहिए। दोस्तों, अपने मुश्किल समय में, अपने चैलेंजेस के बीच अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं तो आप हमसे ज़रूर संपर्क करें। आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं और फ्री काउंसलिंग स्लॉट आप बुक कर सकते हैं, और हमारा एड्रेस है cbnindia.org/cbnspecialoffers। आइए मिलकर हम प्रार्थना करेंगे, जो एडिक्शन हैं, जो बुरे लत हैं, बुरी बातें जो हमारी ज़िंदगी में हैं,
जो हमारे शांति को चुरा के ले गए हैं, आइए इन सब चीज़ों से नजात पाएं, खुदा के कदमों में आ जाओ और परमेश्वर आपको विजय देगा। ही विल मेक यू एन ओवरकमर इन सब चीज़ों से। आइए लेट अस प्रे टुगेदर। प्रभु जी, हम आप ही के पास आ रहे हैं प्रभु, क्योंकि ऑल अथॉरिटी, सारा सामर्थ और सारा अधिकार प्रभु जी आप ही के पास है प्रभु जी। और प्रभु जी, आप ही हमें इन बुरी आदतें, एडिक्शंस, ये लत जो हमें जकड़ के रखती हैं, जिनके हम गिरफ्त में हैं, खुदा आप ही हमें आज़ाद कर सकते हैं। मेरे पिता, हमारे खुदावंद, हमारे सच्चे प्रभु, हमारे पिता परमेश्वर, हम दुआ करते हैं अपने सारे दर्शकों को, कोई भी ऐसा एडिक्शन ना हो उनकी ज़िंदगी में जो आपसे दूर लेके जा रहा है, कोई ऐसी ज़िंदगी में कोई आइडल ना आ जाए उनकी लाइफ में जो आपके और बीच में आ जाए, जो उनकी शांति को चुरा के ले जा रहा है। प्रभु जी, हम दुआ करते हैं कि आप उन आदतों को, उन बुरी बातों को, उन लतों को खुदावंद यीशु मसीह के नाम में हटा दीजिए। खुदावंद प्रभु जी, आप उनके जीवन में अपनी शांति और खुशी से उनको भर दें प्रभु, उनको इन सब चीज़ों से नजात मिले, ताकि वो जाने कि आप एक सच्चे जीवित परमेश्वर है जो सब कुछ कर सकते हैं। प्रभु जी, दया करें हर एक के ऊपर, और ये प्रार्थना हम अपने नजात दहिंदा प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन। दर्शकों, हमने तो प्रार्थना करी है और परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुना है और अपने सही समय में वो जवाब देगा। पर शर्त यह है दोस्तों कि आप आइए ना उसके पास, वो तो वेट कर रहा है आपकी मदद करने के लिए। आइए उसके पास, अपना जीवन उसको दीजिए और देखिए क्या बड़े बड़े कार्य परमेश्वर करेगा आपके जीवन में। जी, हमारा सच्चा परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, और हम वचन में कितने सारे वचन ऐसे पढ़ते हैं जो हमें बताते हैं कि किस तरह परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। और आइए दोस्तों, इस समय हम देखें आज के लिए एक बहुत ही खूबसूरत परमेश्वर का जीवित वचन। Are you planning to host a kid's birthday party or church event for children? Here's your chance to invite Gizmo! Hey Giz! Superbook's time-traveling robot to take your events to the next level. Gizmo will be there to bring smiles to children's faces as they get a chance to interact, sing, dance and pose for selfie with him. Invite Gizmo for children's events like VBS, camps, prize distribution programs, youth events, faiths, and so much more. You can also surprise your child on their birthday with a special guest appearance by the adventurous Gizmo, who will be there with warm wishes and hugs. Visit our website cbnindia.org to invite Gizmo. If you are an NGO or an organization that runs children's ministry, please get in touch with us for special discounts. Visit our website cbnindia.org to invite Gizmo. Hey दर्शकों, वापस आ गए हम। वेलकम बैक दोस्तों। जी, तो आइए दोस्तों, हम देखें कि इस महीने सुपरबुक कैसे बच्चों को शांति यानी कि पीस के बारे में परमेश्वर के सामर्थी वचन के द्वारा सिखाएगा, और कैसे वो एक मजबूत जीवन पा सकेंगे, और कैसे वो परमेश्वर के मार्गदर्शन में अपने जीवन को आगे बढ़ा सकेंगे। Jingle bells, jingle bells. Hey Superbook fans, it's Christmas time. क्या आप सब भी excited है Christmas मनाने के लिए? मैं बहुत excited हूँ, और मुझे पता है आप भी अपने friends and family के साथ Christmas मनाने के लिए तैयार हैं। If you are ready, make sure you put in the comments below कि आप कैसे Christmas मनाते हैं अपने family के साथ। And you know, for me, December is the most exciting month. इस महीने हम first Christmas की story से सीखेंगे कैसे हम अपनी डेली लाइफ के चैलेंजेस के बीच में हमारे दिल में पीस हो सकता है। यूसुफ ने ठीक कहा था, परमेश्वर की योजना पूरी हुई।
पर मानव के सोच के अनुसार नहीं, पर उसी तरह जैसा परमेश्वर चाहते थे। क्रिसमस का सीजन है तो क्यों ना आप गिज़्मो को इनवाइट करें आपके क्रिसमस सेलिब्रेशंस पे, चाहे आपके चर्च सेलिब्रेशंस हो, स्कूल सेलिब्रेशंस हो, गिज़्मो वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ योर सेलिब्रेशंस। तो जल्दी से cbnindia.org पे लॉग इन करें एंड कनेक्ट विद अस, गैदर अप योर यंग वंस एंड जॉइन अस फॉर अ स्पेशल क्रिसमस प्रेयर फॉर योर चिल्ड्रन ऑन 23rd डिसंबर एट 10 a.m. ऑन द सुपरबुक इंडिया इंस्टाग्राम पेज। And just so you know, Superbook is now available in 5 languages on YouTube: Hindi, Tamil, Telugu, Kannada, and Malayalam. So make sure you tune in on YouTube and let your children learn in their heart languages. Stay tuned with us on Superbook India Facebook and Instagram is pure December mahine mein for lots of Bible-based adventures, fun, and Christmas celebrations. Till the next time, bye. Wow, that's so wonderful, friends. और अगर अभी तक आपने अपने बच्चों को सुपरबुक के साथ इंट्रोड्यूस नहीं किया है तो आप देर ना करें, जल्दी से आप इंस्टाग्राम पेज और सुपरबुक फेसबुक पेज पर जाएं एंड द चिल्ड्रन विल बी ब्लेस्ड एज दे स्टार्ट देयर जर्नी विद सुपरबुक, दे विल बी ब्लेस्ड। बिल्कुल सही दर्शकों, एंड आई एम श्योर यू आर ब्लेस्ड, आपको भी आशीष मिली होगी आज के एपिसोड से, क्योंकि हमने क्या सीखा, हमने देखा कि एलन की जिंदगी जो क्या एडिक्शन में, गुस्से में परेशान था, वो कैसे जब उसने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में निमंत्रण दिया, उसको बुलाया, उसकी लाइफ बदल गई और खुदा के कलाम ने उसको शांति दी। और दोस्तों इसी के साथ इट्स टाइम टू से गुड बाय, और जाने से पहले हम आपको बता दें कि कल है वेंसडे, तो कल हमारे रीजनल स्पेशल एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम आप सबको ले चल रहे हैं लद्दाख। जी हाँ, हम लद्दाख जाएंगे और वहाँ से हम लेकर आए हैं आपके लिए गीत, सच्ची कहानी और रेसिपी, तो आप हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। और अब सेलिब्रेट क्रिसमस विद CBN में आप सुनेंगे इमैनुअल हाउस ऑफ गॉड चर्च बरेली की कॉर द्वारा गाया गया एक बहुत ही खूबसूरत क्रिसमस सॉन्ग खुदा का नूर, और ये आप तक लेकर आए हैं हमारे प्रोड्यूसर राजीव अमित सिंह, तो आप इस गीत को एंजॉय करें। और दोस्तों फिर मुलाकात करेंगे, आप हमें आज्ञा दीजिए, खुदा की आशीष और उसकी खुशी आप पर बनी रहे। गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स। मसीह चली में आया है, हमारे वास्ते खुशियों भरा पैगाम लाया है, खुदा का नूर, खुदा का नूर। सुना है हमने दूतों से तू राजाओं का राजा है, सुना है हमने दूतों से राजाओं का राजा है, तेरे कदमों में आकर के कभी ये सर झुकाया है, तेरे कदमों में आकर के कभी ये सर झुकाया है, खुदा का नूर, खुदा का नूर, खुदा का नूर बन गया मसीह चली में आया है, हमारे वास्ते खुशियों भरा पैगाम लाया है, खुदा का नूर, खुदा का नूर। हाथों में सोना मुर चले आए हैं पूरब से, लिए हाथों में सोना मुर चले आए हैं पूरब से, सितारे ने हमें बढ़कर तेरा रास्ता दिखाया है, सितारे ने हमें बढ़कर तेरा रास्ता दिखाया है, खुदा का नूर, खुदा का नूर, खुदा का नूर बन के अब मसीह चलनी में आया है, हमारे वास्ते खुशियों भरा पैगाम लाया है, खुदा का नूर, खुदा का नूर, खुदा का नूर बन के अब मसीह चरनी में आया है।